जफरनगर 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनर जोड़ी नमोदार हुई है, नुमान और उनका साथ दे रहे हैं शकील। बॉलर हैं खिवा की जानेब से शक्की, नुमान टू शक्की, शकील दौड़े बैट को क्रॉस किया और ये पहला बॉल है। दिफाई अंदाज के साथ रोक के खेले, किसी रन से कोई मौका नहीं। बढ़िया बॉल यहाँ पर शकील की जानेब से, अगला बॉल एक शकील और अच्छा बॉल है, अगेन बीट करने में कामयाब हुए है शक्की। शकील लौड़े अंपायर को क्रॉस किया और क्या ही उम्दा शॉट खेला यहाँ पर, कवर किया पॉइंट पे खड़े फील्डर के पास से बॉल दूर और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, दो रन का हुआ इजाफा। शकील तीसरा बॉल पे, क्या ही अक्कल बॉल किया था, मुकम्मल तौर पर बीट हुए नुमान, बिल्कुल समझ नहीं पाए। शकील अगला वाले कर दौड़े और ओवर पिच बॉल था लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए, मुकम्मल तौर पर बीट हुए। यहाँ पर पाँच बॉले बीट कर चुके हैं शक्की। आखिरी बॉल लेकर आए शकील, आखिरी बॉल लेकर आए, क्या पेसर बॉलर है यार, क्या ही उम्दा डिलीवरी यहाँ पर, मुकम्मल तौर पर बीट हुए नुमान, बिल्कुल समझ नहीं पाए। एक ओवर का हुआ इख्तिताम, दो रन पर एक ओवर का हुआ इख्तिताम बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल मुकाबला जफरनगर 11 वर्सेज खिवा 11 के मैबैन, अपने से पहले का पहला इनिंग का दूसरा ओवर लेकर आए हैं मोहसिन, फेस करेंगे शकील। शकील टू मोहसिना और पहली बॉल पर खेल के रोक के खेले हैं यहाँ पर बॉल फील्डर की महफूजात में। मोहसिन अगला बॉल लेकर दौड़े, फेस करेंगे शकील और उसको थर्ड मैन की जानब खेले हैं बॉल पॉइंट लाइन की तरफ रवाना, दो रन का हुआ इजाफा। मोहसिन अगला बॉल करेंगे, फेस करेंगे शकील, बहुत बड़े ऑलराउंडर है और ये अंपायर का इशारा, ये बॉल हुई वाइड। अगला बॉल मोहसिन अगला बॉल लेकर दौड़े, पैर को क्रॉस किया और यहाँ पर बॉल हवा में है, नीचे फील्डर मौजूद हैं लेकिन ड्रॉप कर गया, इजी कैच था, मुकम्मल तौर पर ड्रॉप हुए। दूसरे ओवर का खेल जारी, बढ़ता हुआ स्कोर छे, नुमान स्ट्राइक लाइन पर मौजूद हैं और ओवर पिच बॉल को खेले स्ट्रेट की जानेब, एक रन का हुआ इजाफा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, शकील टू मोहसिन और यहाँ पर बॉल को उछाल दिया लेग की जानेब, बड़ा ही लंबा चौड़ा छक्का, ये पहली बाउंड्री जफरनगर 11 के जानेब से शकील के बल्ले से, पीछे पड़ा हुआ बॉल था, बड़ा अच्छी तरह से पिक किया लेग की जानेब, अगली बॉल पर फिर खेल गया स्ट्रेट की जानेब, देखिए क्या होता है, नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन उनकी पहुंच से दूर, बॉल बाउंड्री पार कर गई 6 रनों के लिए, बैक टू बैक बाउंड्री नुमान के बल्ले से। दो ओवर के बाद स्कोर हुआ है 18 और ये बॉल हुआ वाइड। शकील शक्की अपने से पहल का दूसरा इनिंग का तीसरा ओवर लेकर आए हैं, स्टेट के जानब खेले हैं अली वहाँ फील्डर मौजूद है, एक रन का हुआ इजाफा। शक्की अगला बॉल लेकर दौड़े और यहाँ पर शकील खेले हैं एक रन के लिए, ओपनर जोड़ी अभी तक क्रीज पर मौजूद है, तीसरे ओवर का खेल जारी है। यार कलन बाल था हमका मौजूद पर बीट हुए नुमान, वाइड स्कोर है। अगला बॉल अंपायर का इशारा, ये बॉल हुआ वाइड है। शक्की अगला बॉल लेकर दौड़े, पैर को क्रॉस किया और क्या ही उम्दा बॉल की है, नीचे पड़ा हुआ बॉल था, मुकम्मल तौर पर बीट हुए नुमान, वाइड स्कोर है। तीसरे ओवर का खेल जारी, शक्की अगला बॉल लेकर दौड़े, पैर को क्रॉस किया और अंपायर का इशारा, देखना होगा ये बॉल हुई वाइड है लेकिन लेग पे फैले फील्डर ने कह दिया है कि ये लेग बाई हुई है। नवान डो शक्की और अगेन ये बॉल हुआ वाइड, अगला बॉल और विल्ला यहाँ पर खिलाफ काट दिया, विकेट उखाड़ के रख दी शकील शक्की ने, पहली विकेट लेने में कामयाब हुए खिवा 11 के जन्म से। शकील शक्की जन्म से बहुत बढ़िया बैट बॉलिंग चलती हुई, तीन ओवर के बाद 24 रन पर पहुंचा है, तीन ओवर के बाद एक विकेट गंवाने के बाद जफर नगर इलामा अगले बल्लेबाज नमोदार हुए हैं। जफर ज्वाइन किया है शक्की को, अपने से पहल का दूसरा इनिंग का चौथा ओवर लेकर आया मोहसिन परेरा और लो फोल्टास बॉल था, उसको दिफाई अंदाज के साथ रोक के लिए स्ट्रेट की जानेब, एक रन के लिए 25 पर पहुंचा है। अगला बॉल मोहसिन अगला वाले का दौड़े, पैर को क्रॉस किया और यहाँ पर उछाल दिया बॉल को, नीचे फील्डर मौजूद है और कोई गलती नहीं की, अच्छी तरह से कैच को थामने में कामयाब हुए, पहली विकेट पर पहली बॉल पर विकेट दे बैठे जफर। अगले बल्लेबाज नमोदार हुए हैं वसीम, ज्वाइन किया है ओपनर बल्लेबाज शकील को और अगली बॉल पर खेल के स्ट्रेट की जानेब,
छह रनों के लिए बड़ा ही जानदार स्ट्रोक खेला है। यहाँ पर स्कोर पहुंचा है 31 पर। मोहसिन अगला बाल लेकर दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया और ये फुल टॉस बॉल थी, बीट हो गए। ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। यहाँ पर अंपायर का इशारा ओवर स्टेप कर गया तो नो बॉल होगी। फ्री हेड का सामना करेंगे शकील, फ्री हेड का सामना करेंगे शकील। देखिए और बॉल को उछाल दिया ऊपर और कैच थमा बैठे, फ्री हेड बॉल थी, एक रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा है 33, चौथे ओवर का खेल जारी। अगला बॉल फेस करेंगे वसीम और बीट हुए, मुकम्मल तौर पर बीट हुए। अगला बॉल और अगले बॉल पाल का फ्लैग किया है लेग पे खड़े फील्डर के महफूज हाथों में, एक रन के लिए। चार ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 34। मलकी आए हैं अपना अगला ओवर लेकर। अगला बॉल मलकी, अगला बॉल लेकर दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया और यहां पर बीट हुए, कीपर मिस हुए, रन आउट हो सकता था। बॉल बॉल बच गया वसीम। मलकी अगला बॉल लेकर आए और शेर की जाने बाल को उछाल दिया छह रनों के लिए वसीम ने, बड़ा ही जानदार स्ट्रोक स्ट्रेट की जाने। पांचवें ओवर का खेल जारी है, स्कोर हो चुका है 41। वसीम और शकील क्रीज पर मौजूद है। अगली बाल पर हल्का सा फ्लिक किया फाइन लेग की जाने, पीछे फील्डर मौजूद हैं, दो रन का होगा इजाफा। मलकी अगला बॉल लेकर और ये फुल टॉस बॉल थी, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल भी है, कैच तो पकड़ लिया लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। फ्री हेड का सामना करेंगे शकील, बहुत बढ़िया बैट्समैन और यॉर्कर बॉल था, मुकम्मल तौर पर बीट हुए। मलकी अगली बॉल लेकर आए और खेल दिया छह रनों के लिए, शकील खेल गए छह रनों के लिए मेड विकेट की जाने। पांच के बाद स्कोर हुआ 52-52। वसीम अगली बॉल पर खेल गया स्टेप की जाने, फील्डर वहां मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे, एक रन का इजाफा। बगी अगला बॉल लिख रहा है अपने स्पेल का, पहला इनिंग का छठा ओवर है और यहां पर चेंज अप पेश किया था, उसको अच्छे तरीके से पिक किया स्ट्रेट के जाने छह रनों के लिए। यहां पर बहुत बढ़िया बैटिंग चलती हुई शकील के बल्ले से, मुसलसल धुआंधार बैटिंग। फैसल बगी अगली बॉल पर फिर खेल गए शकील छह रनों के लिए, बैक टू बैक बाउंड्री यहाँ पर शकील के बल्ले से। छठे ओवर का खेल यार, स्कोर हो चुका है 65। बगी अगला बॉल लेकर करेंगे और क्लीन बोर्ड कर दिया यहाँ पर है, क्लीन बोर्ड कर दिया, दो छक्के जरूर खाए थे लेकिन अगली बॉल पर क्लीन बोर्ड कर दिया, बहुत बढ़िया कम बैक है। अगले बल्लेबाज नमोदार हुए हैं आदिल, ज्वाइन किया है वसीम को और यहाँ पर पहली बार को बॉल हवा में उछाल दी, नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन ड्रॉप कर गए, बिल्कुल समझ नहीं पाए इसने हमें, दो रन का हुआ इजाफा। और यहाँ पर थ्रो ओवर थ्रो कर गए थे, मजीद दो रन का हुआ इजाफा। बग्गी अगला बॉल करेंगे, फेस करेंगे आदिल और यहाँ पर ऑल फील्डर की महफूज हाथों में, एक रन के लिए खेले, स्कोर हुआ 70। मलकी अपने से पहल का दूसरा इनिंग का साथों वाले कराया था और बॉल को खेल दिया छह रनों के लिए, बहुत ही लंबा चौड़ा छक्का आदिल के बल्ले से। स्कोर पहुंचा 76 पर, सातवें ओवर का खेल जारी। मलकी अगला बॉल करेंगे और ये बॉल हुई वाइड, लेग बाई हुआ है यहाँ। मलकी अगला बॉल करेंगे और यहाँ पर गेंद बॉल हुआ बाइट, बीट हुआ यहाँ पर आदिल तो मलकी और फुल टॉस बॉल का खूब फायदा उठाया छह रनों के लिए, खेल गया बड़ा ही लंबा चौड़ा छक्का स्ट्रेट की जाने। स्कोर पहुंचा है 83 पर, 83 स्कोर है। मलकी अगला बॉल लेकर दौड़े, फेस करेंगे आदिल और यार बॉल का बॉल था ड्रॉप कर गए, क्या अच्छे टीम कैप्टन ने खुद ड्रॉप कर दिया। सातवें ओवर का खेल जारी, स्कोर हो चुका है 85। अगली बार पर बल्ले का रुख मोड़ा, लेग की जगह छह रनों के लिए खेल गया, आदिल इस ओवर में तीन बाउंड्री जा चुके हैं। स्कोर पहुंचा है 7-90। और अगले बॉल है एक रन के लिए हुआ इजाफा। बग्गी अपने से पहल का दूसरा इनिंग का 8 ओवर करवा रहे हैं, फेस पर स्ट्राइक इन पर मौजूद हैं आदिल, ये बॉल हुआ वाइड। स्कोर पहुंचा है 93 पर, अगला बॉल है उमदा बॉल, अक्कल एंड बॉल था, मुकम्मल तौर पर बीट हुए। अगला बॉल और फिर खेल गए छह रनों के लिए, क्या खूबसूरत शॉट खेला है। स्कोर जो पहुंचा है 99 पर, अगला बॉल है फिर खेलना चाहते थे, एक राउंड शॉट खेला है, दो रन की कॉल है, कामयाबी से मुकम्मल किए और अगेन है थ्रो के रन मिलेंगे, दो रन यहां पर है मजीद थ्रो के मिलेंगे। अगला बॉल स्कोर पहुंचा है 103 पर, बग्गी अगला बॉल करेंगे और अच्छा बॉल है, मुकम्मल तौर पर बीट हुए।
लेकिन नाकस फील्डिंग की वजह से एक रन का हुआ इजाफा। गेंद दो रन मिलेंगे यकीन और रन आउट हो सकता है, और रन आउट हो गए अदील, यहाँ पर रन आउट हो गए हैं। अगले बल्लेबाज नमदार हुए हैं अर्शद, स्ट्राइक एंड पर मौजूद है बॉलर एम्बगी। आठ ओवर का खेल जारी है और ये बॉल फॉरवर्ड है, 104 पर पहुंचा है। आठ ओवर का खेल जारी, अगला बॉल है, लेग की जनक खेले हैं, मौजूद है एक रन हुआ इजाफा। अपने से पहले का पहला इनिंग का नाम लेकर आए हैं बिलाल, और ये फुल टॉस बॉल था, उसको खेल के लेग की जनेब, नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन उनके पहुंचे दूर बॉल, बॉलर पाल करके छह रन के लिए। अर्शद फेस करेंगे और पेस किया था, बॉल हवा में गई, नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन ड्रॉप कर गया है, दो रन का हुआ इजाफा। नौवें ओवर का खेल यार, स्कोर 113 पर पहुंचा है। अगला बॉल हुआ वाइड, एक रन का भी हुआ इजाफा। नौवें ओवर का खेल यार, स्कोर 115 पर पहुंचा। वसीम अगला बॉल फेस करेंगे, ये बॉल हुआ वाइड, लाल दौड़े अंपायर को क्रॉस किया और ओवर पिच, बॉल था मुकम्मल तौर पर बीट हुआ वसीम। बिलाल टू वसीम और खेल गया छह रनों के लिए, क्या ही जानदार ब्यूटीफुल शॉट खेला है। नौवें ओवर का खेल जारी, स्कोर है 122 है और अगेन फुल टॉस बॉल, खेल गया छह रनों के लिए, बैक टू बैक बाउंड्री यहां पर वसीम के बल्ले से, 128 है वसीम की जाना से, बहुत बढ़िया बैटिंग चलती हुई। अगला बॉल है बिलाल, अगला बॉल लेकर दौड़े और खेल गया ग्राउंड शॉट, दो रन की कॉल है और नॉट आउट, आउट हो सकते थे लेकिन बाल बाल बचे हैं। रियासत अपने कोटे का पहला इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आए हैं, फेस करेंगे अर्शद, अर्शद और वसीम स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं। अर्शद अगला प्रयास आता, एक रन के लिए खेले अर्शद, वसीम बाबा क्या इस पर और लॉ फुलटा बॉल था, चेंज अप पेस किया था मुकम्मल तौर पर बीट हुए। रियासत अगला बॉल लेकर दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया और अच्छा बॉल है, एक रन के लिए खेल गया वसीम। ये नन्हे मुन्ने लेफ्टी बल्लेबाज एक शॉट है जड़ चुके हैं, अगला बॉल फेस करेंगे, ये बॉल हुआ वाइड, रियासत दौड़े अंपायर को क्रॉस किया और खेल गया लेग की जानिब, फील्डर वहां मौजूद थे, गया ड्रॉप कर गया, एक रन का हुआ इजाफा। दूसरे रन की कॉल लेकिन रन आउट हो सकते थे, बार बार बच गए। दसवें ओवर का खेल जारी, स्कोर 135 पर पहुंचा है। अगला बॉल पर खेल गया, फील्डर वहां मौजूद थे एक रन के लिए। इन्हें का आखिरी बॉल है, लेकर दौड़े रियासत, रियासत टू वसीम, वसीम स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, रियासत दौड़े अंपायर को क्रॉस किया और यहां पर लो फुल टॉस बॉल था, एक रन का हुआ इजाफा। बहुत बढ़िया कम बैक यहां पर रियासत की जनाब से, बढ़िया बॉलिंग करने के लिए 11 को टारगेट दिया है, 138 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया है जफरनगर 11 ने, 10 ओवर में 30 रन का, 138 रन का टारगेट सेट किया है यहाँ पर जफरनगर 11 ने जीत के लिए खिवा को। मैच रेफरी यहां पर है नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, ओपनर जुड़ी नमदार हुई है, अली अरम का साथ दे रहे हैं गुड्डू, बॉलर हैं अदील, अली इलाके के बहुत बड़े नामवर स्टार खिलाड़ी हैं। पहला बॉल फेस करेंगे, स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं और यह कलंक बॉल था, उसको खेल गया स्टेट की जानिब, फील्डर वहां मौजूद है अदील, अगला बॉल लेकर दौड़े, फेस करेंगे अली, अली यहाँ पर ये बॉल फॉरवर्ड कर बैठ, लेकिन लेग बाई होगा, अंपायर का इशारा लेग बाई, अदील अदील अली और खेल गया स्ट्रेट की जाने पर, हल्का सा पुश किया है चार रनों के लिए अदील, अली ने 138 का ताकुब करते हुए, अली क्रीज पर मौजूद है, अदील है बॉलर, खेल गया छह रनों के लिए, ये है क्लास है, ये है बल्लेबाज है अली जिनका नाम है, बहुत बड़े स्टार। अगला बॉल अदील, अगला बॉल लेकर दौड़े, ग्राउंड शॉट खेला है एक रन के लिए यहाँ पर, अगला बॉल अदील, अगला बॉल लेकर दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया और यहाँ पर कैच उछला है, देखिए क्या होता है, कैच को अच्छे से थामने में कामयाब हुए यहाँ पर गुड्डू की नेका वकादमा। एक ओवर के बाद 11 स्कोर एक विकेट के अनुसार पर किंग 11 खिवा। अगले बल्लेबाज नमदार हुए हैं, रियासत ज्वाइन किया है अली को, बॉलर है अपने स्पेल का पहला इनिंग का दूसरा ओवर लेकर आया आके बाद और खेल गया स्टेट के जाने, नीचे फील्डर मौजूद है और लेकिन का भी हुआ खात्मा, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर, दूसरी सफलता मिली है जफरनगर 11 को। अगले बल्लेबाज नमदार हैं, बहुत बड़े स्टार ऑलराउंडर है शकील शकी, ज्वाइन किया है रियासत को, 1.2 बॉलें 11 स्कोर 2 आउट, आखिर बगला बाले का दौड़े अंपायर को क्रॉस किया और यहाँ पर बीट हुए। अगला बॉल
पहला बॉल एक हाथ दौड़े और आउट हो सकते थे, बार बार बाज गए। आके अगला बॉल लिख रहा है और कहे उमदा तरीके से उमर के जाने खेले है चार रनों के लिए, नया साथ ने 15 स्कोर दो के बाद। अगला बॉल लेकर दौड़े आके और ये किसी रास्ता कोई मौका नहीं, दो ओवर के बाद स्कोर हुआ है 15। स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं बहुत बड़े नामवर स्टार ऑलराउंडर इस इलाके के शकील शकीब बॉलर हैं आफ्ताब। तीसरे ओवर का खेल जारी, स्कोर पहुंचा है 15 पर, 138 का टारगेट सेट पे यहां पर जफरनगर इलेवन ने जीत के लिए। शकील शकी स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, देखिए क्या करते हैं, खेल गया पहली बॉल पर 6 रनों के लिए, यह गलत बॉल था उसको उछाल दिया 6 रनों के लिए पहली बॉल पर, अपनी क्लास दिखाते हुए शकील यहां पर अपने और क्लास दिखाते हुए 21 पर पहुंचा है। तीसरे ओवर का खेल जारी, देखते हैं अपनी टीम के लिए कितना कोई मुफीद साबित हो सकते हैं शकील, फिर खेल गया 6 रनों के लिए, लेग किया ने बल्ले का रुख मोड़ा, बॉल बाउंड्री पार करके 6 रनों के लिए, बैक टू बैक बाउंड्री यहां पर है शकील के बल्ले से, दो बॉलों पर दो बाउंड्री जा चुके हैं अभी तक, तो बहुत बढ़िया बैटिंग चलती हुई 27 पर पहुंचा है केवल अवन। तीसरे ओवर का खेल जारी और क्लीन बोल्ड हो गया, क्लीन बोल्ड हो गया यहां पर, बहुत बढ़िया विकेट चटकाने में कामयाब हुए, बहुत बड़ी सफलता मिली है यहाँ पर जफरनगर लेवन को, एक ऐसे खिलाड़ी को आउट करना बहुत बड़ी सफलता है। अगले बल्लेबाज नमूदार हुए हैं मोहसिन परेरा, ज्वाइन किया है रियासत को, बॉलर है आफ्ताब, आफ्ताब अगला बॉल करेंगे यहाँ पर, खेल गए बैट की जानब खेले हैं, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन अच्छी फील्डिंग, 3 रन लेने में कामयाब हुए, 30 पर पहुंचा है स्कोर। तीसरे ओवर का खेल जारी है और देखते हैं अपने होम ग्राउंड पर कितना कोई फायदा उठा पाते हैं, ये तीन ओवर के बाद देर अपने से पहल का दूसरा इनिंग का चौथा ओवर लेकर आए हैं, बार का मोहसिन परेरा ने उठा दिया, नीचे फील्डर मौजूद है, मोहसिन की इनिंग का भी हुआ खात्मा, 3 के बाद 30 स्कोर 3 आउट है। अगला बॉल खेल गया लेग की जाने पर, बॉल बॉल पास करके 4 रनों के लिए, अधीर अगला बॉल लेकर दौड़े फेस करेंगे रियासत और ये फुल टॉस बॉल था, बीट हो गया अधीर दौड़े एम्पायर को क्रॉस किया और क्या ही जानदार उमदा स्ट्रोक है, स्टाइलिश बैट्समैन, ब्यूटीफुल शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द डे यहां पर रियासत के बल्ले से छक्का, अधीर अगला बॉल लेकर दौड़े फिर खेल गए पीछे बड़ा वो बॉल था, बल्ले का रुख मोड़ा 6 रनों के लिए लेग की जाने पर, स्कोर पहुंचा है 46 पर। अगला बॉल अच्छा बॉल यार, कलेंद बॉल है, बिलाल स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, अपने से पहल का दूसरा इनिंग का पांचवा ओवर लेकर आए आफ्ताब, आफ्ताब दौड़े एम्पायर को क्रॉस किया और यहाँ पर अच्छा बॉल है, अगेन अच्छा बॉल यहाँ पर, 5 ओवर के बाद स्कोर साथ हुआ, अगली बॉल पर कैच उछला और ड्रॉप कर गया, रियासत का कैच ड्रॉप कर गया यहाँ पर, अगला बॉल और बीट हुए यहाँ पर, मैच बड़े मुश्किल मराहल में दाखिल हो चुका है, यू 11 बड़े मुश्किल हालात में यहाँ पर, मजीद जीत के लिए 90 स्कोर की ज़रूरत है और अगला चेंज यहाँ फेस किया मुकम्मल तौर पर, बीच में मुजाहिद की जनर से बहुत बढ़िया बॉल चलती हुई, अगला बॉल है मुजाहिद अगला बॉल करेंगे और मुकम्मल तौर पर बीच में बहुत बढ़िया बॉलिंग, मुजाहिद और एम्पायर को क्रॉस किया और यहाँ पर चेंज यहाँ फेस किया था तो कैच उछलाया, देखिए कर पाते हैं कि नहीं और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आउट हो गए बिलाल की ने का भी हुआ खात्मा, छठे ओवर का खेल जारी, स्कोर पहुंचा है 60 पर, मुझे है अगला बॉल है खिलाड़ी और खेल गया 6 रनों के लिए रियासत, मजीद 4 ओवर में 79 रन की जरूरत है जीत के लिए खिवा किंग 11 को, आके अपने से पहल का दूसरा इनिंग का छठा ओवर लेकर आए, सॉरी 7वां, अगला बॉल करेंगे आके बार फुल टॉस बॉल थी उसको खेले हैं 1 रन के लिए रियासत। अगले बल्लेबाज आए हैं शहद सरफराज, फेस करेंगे बॉलर हैं आके बर यहाँ पर, 2 रन की कॉल है, कामयाबी से हासिल किए हैं 2 रन से, बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ सेमीफाइनल मैच और फुल टॉस बॉल था मुकम्मल तौर पर, 7वें ओवर का खेल जारी है, स्कोर पहुंचा है 62-63 पर,
शहद और यहाँ पर क्लीन बोर्ड कर दिया, यहाँ पर शहद ने शहद को क्लीन बोर्ड कर दिया। आकिब ने बहुत बढ़िया बॉलिंग चलती हुई आकिब की जाने से। मुझे हद अपने से पहल का दूसरा इनिंग का आठवां और पहली बार पर क्या इतमा बैठे बिल्लू की इनिंग का भी हुआ खात्मा। यहाँ पर फाइनल के करीब पहुँच चुकी है ये टीम है जफरनगर लेवन। जफरनगर लेवन यहाँ पर फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है स्टार क्रिकेट लीग के प्लेटफॉर्म पर। तकबीर अल्लाह हू अकबर।